रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। फिर जॉन्डिस हो गया? फिर मतलब बचपन में होता था, अब हुआ है और अब तो लगभग ठीक भी हो गया है। मैंने तुम्हें मना किया था। अरे मैंने स्कूटर नहीं बेचा, मैं तो बस सौदा तय कर रहा था। मैं वो घटिया स्कूटर कोई खरीदना ही नहीं चाहता। तुमने स्कूटर बेचने के बारे में सोचा ही क्यों? क्यों? सोचने से पीलिया हो जाता है। तुम्हें हो सकता है, पता है जब मैं छोटा था मुझे पीलिया हो गया था। दो बार? हाँ हाँ दो बार। खूब झाड़ फूक कराई गई। मेरे पिताजी इसको लेकर गांव गांव भटके थे। गांव गांव? सिर्फ दो गांव भटके नहीं थे, गए थे। तब एक बाबा ने तबीज पहनाई और कहा कि 21 दिन में इसका पीलिया उतर जाएगा। और इसकी जो भी चीज इसे सबसे ज्यादा पसंद हो उसे पीले रंग का होना चाहिए। अगर ना हो तो उसे पीले रंग का करा दो। तो हम इसे गोद में लेकर पूरे घर में भटके और पूछा कि बताओ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है। और मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मैंने अपनी उंगली सीधे उस स्कूटर पर रख दी और मेरे स्कूटर को पीला कराया है। और तब से लेकर आज तक उस स्कूटर को अपने साथ लेकर घूम रहा हूं। मुझे पीलिया का डर नहीं है, इनका वहम है। हर लेटर में पूछते हैं वो स्कूटर ठीक है ना, सर्विसिंग कराई, 3 महीने हो गए। तुम्हारा हेलमेट किस रंग का है? मेरा लेटर मिला तो? हाँ मिला था। पढ़ा? स्कूटर सर्विसिंग के लिए दे दिया है। स्कूटर की सर्विसिंग के लिए नहीं लिखा था लेटर। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ हाँ आपने लेटर में ऊपर ही लिखा है। 7:30 बजे आ रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा लेटर कभी खोलकर पढ़ते नहीं। पैसों की जरूरत है? नहीं। काम कैसा चल रहा है? काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। देखो जो हो गया उसे भूल जाओ। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आजकल ये बात बहुत दर्द देती है। किससे बदला ले रहे हो, मुझसे कि अपने आप से? मैं तो कहानी लिख रहा हूँ। जिस कहानी का तुम्हें अंत नहीं पता उसे क्यों लिखना चाहते हो? कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? तुम इसका जवाब जानते हो? हाँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सही है गलत। तुम क्यों इस कहानी के पीछे पड़ो? तुम कुछ दूसरा नहीं लिख सकते। मैं लिख रहा हूं, मैं एक बूढ़े की कहानी लिख रहा हूं। वो बूढ़ा मेरे घर के सामने वाले बिल्डिंग की 7वीं मंजिल की बालकनी में दिन भर बैठा रहता है। मैं उसकी कहानी लिख रहा हूं पर क्या मेरी कहानी का हर पात्र पीला स्कूटर क्यों चलाता है? तुम पीले स्कूटर को भूल क्यों नहीं जाते? मैं तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता हूं। समझ करना। क्यों? आपको डर है पीला से मेरी मौत हो जाएगी? ऐसे कोई नहीं मरता। तुम्हारे दादाजी ने सख्त मना किया था। ठीक है मैं उस स्कूटर को जिंदगी भर अपने पास रखूंगा पर मेरी भी एक शर्त है, मुझे कहानी का अंत बता दीजिए। तुम डरे हो, तुम अंत जानना ही नहीं चाहते। मैं जानना चाहता हूं। देखो जिंदगी में कई चीजें गणित के सवाल की तरह होती है, जिन्हें अगर आपको हल करना तो आपको माना की से शुरुआत करनी पड़ती है। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हें इसका मानना पड़ेगा। माना की अंत है इसलिए कहानी है। ठीक है कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी? देखो वो तो मैं खुद तुमसे कहां जा रहे हैं आप? बाथरूम। मेरे पास एक कुदाली है जिससे मैं सफेद भविष्य के पहाड़ को काटता जा रहा हूं और उसकी मिट्टी पीछे धकेलता जा रहा हूं। पीछे अतीत का बड़ा सा पहाड़ इकट्ठा होता जा रहा है। हर बार अपना कुदाल चलाने पर भी ढेर सारा सफेद भविष्य सामने है और पीछे हर कुदाल के बार का ढेर सारा अतीत। अतीत के पहाड़ पर घास उगाई
और वो हरा भरा हो गया है। सारी घटनाएं जो जीते वक्त कड़वी लगा करती थी, वो अतीत के पहाड़ पर जाकर घना पेड़ बन गई जो अब छाया देता है। कई कहानियां अतीत में अपना अंत लिए बिना ही आती, अंत भी उस कहानी के साथ ही घटता है, मगर आप एन उस वक्त पर वहां मौजूद नहीं, या बहुत छोटे होते या कहीं वो अंत बहुत डरावना ना, इस शंका में आपसे जानना ही नहीं चाहते। ऐसी घटनाएं बड़ा सा पत्थर बनकर अतीत के पहाड़ पर जम जाती है, जिसे आप पूरी जिंदगी ढूंढते हैं। रात को मेरी ठीक पहले मेरी आंख खुली तो देखा, पिछली रात से पूरे दिन तक मैं सोता रहा, तब इस बीच मेरी आंख खुली थी सुबह तकरीबन 7:30 बजे, फिर सो गया। अब सर में दर्द हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खुद को कोसने लगा, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वैसे भी पिछले 2 महीने से कुछ नहीं किया था, लेकिन एक पूरा दिन वो भी पिछली रात के साथ सोते हुए बिता देना, मैं सोच रहा था कि वो सब एक दिन में कितना आगे बढ़ गए होंगे जो परसों तक मेरे साथ थे। उठकर पानी पिया, कुछ समझ में नहीं आया तो चाय चढ़ाना पड़ती। अब मैं पूरी रात कैसे बताऊंगा, नींद का आना वैसे भी रात के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है। खैर, मैंने चाय छानी और जाकर अपनी खिड़की पे खड़ा हो गया। मेरी खिड़की से पूरा शहर नहीं दिखता था, बस सामने की 2 ऊंची बिल्डिंग और उनके बीच में जाती हुई एक चौड़ी सड़क। मुझे अपनी खिड़की से इतनी सी दुनिया देखने की आदत पड़ चुकी थी, तो जब भी देखता था उनको देखते ही रह जाता था। पिताजी के लगभग सारे खतों का मैं जवाब दे चुका हूं, सिवाय उनके अंतिम लेटर के। तभी बेल सुनाई दी, डोरबेल। मैं मुड़ा नहीं, वो फिर सुनाई दी, वो फिर अंदर आ गए। ये वही है, असल में मेरे घर में डोरबेल थी ही नहीं। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे कई सवाल उठे, इन सारे सवालों का मेरे पास तो एक ही जवाब है, सो जाता हूं। तुम सो नहीं सकते, क्यों, तुम्हें कहानी लिखनी है। तुम कौन हो? देखो जो तुम पूछ रहे हो ना तुम नहीं जानना चाहते। हाँ तो मैं क्या जानना चाहता हूँ? तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, मेरे पास बहुत बहुत सारे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम हर रोज सुबह सुबह कहाँ जाते हो? तुम बस मुझे क्यों देखते हो? तब मेरा चाय पीने का वक्त होता है और मैं खिड़की से खड़े होकर हर रोज सुबह जाता हूँ, देखता हूँ। मैं भी कई दिनों से तुम्हें मुझे देखते हुए देख रहा हूँ। तुम हाईवे पर होकर मुझे क्यों देखते हो? तुम खिड़की पे खड़े होकर मुझे क्यों देखते हो? तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ के साथ सोता था। हम सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं, हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ अपना एक अलग संबंध होता है। सो जिनका ये संबंध अच्छा होने आ जाती है, लेकिन जिनका ये संबंध खराब हो उनकी जिंदगी के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस जाते हैं और उन्हें सोने नहीं देते। नहीं, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ,
जाने से डरता हूँ। मैं हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने से डरता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे जोक्स चुटकुले याद कर लिए हैं। हमेशा लगातार सबके सामने सुनाता रहता हूँ। लाल, पीली, नीली हरी शर्ट पहनता हूँ, रोज शेयर करता हूँ। जब भी घबराता हूँ बाथरूम चला जाता हूँ। रोज घर से 2 अखबार याद करके निकलता हूँ। माना ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, लेकिन किसी भी विषय पर लगभग 1 घंटा बोल सकता हूँ। और हाँ, मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। चुप क्यों है? बोलो क्यों? दूसरों की कहानी में अपना सुख ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं तो बस सुनना चाहता हूँ। किसके बारे में? तुम्हें पता है। कहानी शुरू करें? हाँ। अरे मुझे तो पिताजी को रेलवे स्टेशन जाना था, मैं तो भूल ही गया। पिताजी, मैं आपको स्टेशन लेने आने ही वाला था। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, कैसा लग रहा हूँ? अच्छे। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहुत गैस बन रही है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? बाथरूम। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये क्या हाल बना रखा है बाथरूम का? तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है? चुप रहो। क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए थे, फिर भी तुमसे लगातार मिलने आते थे। क्यों? शायद उनके साथ सोने, तुम्हें पैसे देके चॉकलेट लेने भेजते थे। माँ तुमके आने के डर से चल बसी, लेकिन तुमसे मिलने की जिद क्यों करते थे? तुमसे क्यों मिलना चाहते थे? चॉकलेट खाओगे? आप कितने दिन यहां रुकेंगे? तुम कहो तो मैं अभी जा सकता हूं। तो चाय चाय पियेंगे? तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं। सुना है तुमने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया है? कर लिया था, पिछले 2 महीने से छुट्टी ले रखी है। क्यों, मेरे मरने का शोक बना रहे हो? लिखना क्यों छोड़ दिया? मैं कहानी लिख रहा हूं। किसकी कहानी लिख रहे हो? एक बूढ़े की। वो बूढ़ा क्या हुआ? आखिरी लेटर अब तक क्यों नहीं खोला? से बात नहीं करना चाहते? जब बात करने की इच्छा हो तो बुला लेना, मैं इंतजार करूंगा। आओ अंदर आ जाओ। से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं। आज तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। 7वीं मंजिल से चलकर आ रहा हूँ, मेरी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। क्या बात है, बोलो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कल का दिन एक सांत्वना है आज के बीच में। आज तो बीत गया, जैसे जैसे बीत ही जाएगा ना, फिर लगने लगता है कल का दिन एक जादू की पुड़िया में बंद है। सूरज उगेगा, पुड़िया खुलेगी और जैसा ही होता आएगा, जैसा कि मैं सालों से सोचता आ रहा हूं अपनी बालकनी में बैठे बैठे। तुम्हें पता है आजकल मैंने एक पूरी चील को देखना शुरू कर दिया। वो चील काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उसके पर चढ़ते लाखों
जवान कौवे उसे चोंच मारकर भागते हैं और वो चील ढूंढती नहीं। उस चील की एक समस्या है या शायद जवान कौवों का डर उसने अब नहीं छोड़ दिया है। मैं हर रोज उसके झड़े हुए पलों को जाकर इकट्ठा करता हूं और मैं उसे आसमान में एक बार गोल गोल उड़ते हुए देखना चाहता हूं। वो चीज उड़ेगी ना? ये एक दिन साथी मंजिल से उड़कर अपनी जान दे देगा। तुम उसे बचा सकते हो? नहीं, क्योंकि चील अब इतना ऊपर उड़ ही नहीं सकती। चाहो तो बचा सकते हो, बस कहानी का बदल दो। खैर जाने दो, तुम तो बड़े थक चुके हो। मैं थका नहीं हूं, मैं बस सोना चाहता हूं। नहीं, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? ये बहुत बड़ा सवाल है, कुछ दूसरा पूछो। तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? अब मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे हर कहानी के हर पात्र में अपना बाप दिखाई देता है। मेरी हर कहानी मेरी माँ की कहानी होती है। मेरी कहानी का हर आदमी मेरी माँ को डरा रहा होता है और कहानी के अंत से पहले मेरा बाप हंसता है, मुझसे सिर्फ एक ही वाक्य बोलता है, लो बेटा 10 रुपए और चॉकलेट ले आओ, उसके बाद हम स्कूटर पे घूमने चलेंगे और कहानी वहीं रुक जाती है। नहीं, अब मुझे दूसरे लोग भी दिखने लगे हैं। मैं इस बूढ़े की कहानी लिख सकता हूं। मैंने हमेशा इसे बालकनी में बैठकर धूप सेकते हुए देखा है। धूप हो या ना हो, ये हमेशा धूप सेकता रहता है। इसने अपने जीवन में सिर्फ 4 ठोस चीजें की है। पहली, अपनी बेटी की शादी, जो घर वापस आ गई, पति ने छोड़ दिया। टीवी और फ्रिज खरीदा, फ्रिज में आजकल बर्फ नहीं जमती है, टीवी बहुत पुराना है इसलिए सिर्फ 8 चैनल ही देखे जा सकते हैं। तीसरा सिर्फ भारी हो रहा है। अरे तीसरी और चौथी वो चीज क्या है? मुझे पता है पर तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो, जरा बूढ़े के बारे में सोचो। उस बूढ़े के पास पीला स्कूटर है, मेरे पास तीसरी ठोस चीज ये है। तुम फिर अपने बाप को बीच में घसीट लाए। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मान लेने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। एक पीला स्कूटर है जिसे पिताजी के खतों का जवाब पढ़कर सुनाता हूं और मान लेता हूं कि पिताजी सुन रहे हैं, इसीलिए पीला स्कूटर चलाता हूं। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? अब शायद मुझे जॉन्डिस का भी डर है, इसीलिए पीला स्कूटर चलाता हूं। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मैं असल में ये पीला स्कूटर नहीं है, ये मेरी उंगली में घुसी हुई वो फांस है जिसे मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूं, इसीलिए मैं पीला स्कूटर चलाता हूं। एक बात पूछूं? पूछो। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो?